गाइस, जब भी पतंजलि का नाम आता है तो हमारे मन में पहला ख्याल बाबा रामदेव का आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव है ही नहीं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि पतंजलि के मालिक आचार्य बालकृष्ण जी हैं, जिनके पास कंपनी के 94% शेयर्स हैं। वहीं 6% शेयर्स एक NRI कपल के पास हैं, जिन्होंने बालकृष्ण जी को 2007 में 60 करोड़ रुपए का लोन दिया था और तभी पतंजलि की शुरुआत हुई थी। और मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव, जिनके पास पतंजलि की 0% होल्डिंग है, वो सिर्फ पतंजलि का चेहरा है और इसी चेहरे से आज पतंजलि की सालाना कमाई 9000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक पतंजलि का इफेक्ट जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रशिया और यूक्रेन के बीच महीनों से चल रहा तनाव आखिरकार युद्ध में बदल ही गया। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बीच धमकी देते हुए ये कहा है कि बाहर से कोई भी देश इसमें दखल देने की कोशिश ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो उसने इतिहास में कभी भी सोचे नहीं होंगे। और पुतिन का ये इशारा साफ तौर पर अमेरिका को था, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में है। लेकिन चाइना ने रशिया का सपोर्ट करते हुए सारे सैंक्शंस हटा दिए हैं। अब इंडिया के जवाब पर पूरी दुनिया की नजर है। आपको क्या लगता है कि इंडिया इस युद्ध में शामिल होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और